गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम बात करेंगे आपके अडोब ड्रीमवेयर CS5 के अंदर लिंक्स के बारे में, यानी कि लिंक क्या होते हैं। ठीक है, लिंक का मतलब है यहां से किसी चीज को जोड़ना, एक दूसरे को जोड़ना क्या कहलाता है, लिंक कहलाता है। ठीक है, जैसे ये लगाओ, ये हमारा एक कंप्यूटर का पेज है। ठीक है, यहां पर हमें कोई और डॉक्यूमेंट्स लेके आना है तो हम किसका यूज करेंगे, लिंक का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, लिंक्स का यूज देखिए, देखिए क्या होता है, लिंक आर द कंप्यूटर कोड, यानी कि कंप्यूटर का एक ऐसा कोड होता है दैट कनेक्ट द वेब पेज टुगेदर इन ए वेबसाइट, यानी कि वो वेब पेज को एक वेबसाइट के साथ में जोड़ता है। देखो अब जैसे आप लोग कैंपस प्रो से अपना होमवर्क देखते हो, वीडियो देखते हो, उसके अंदर आपका एक लिंक दिया होता है। ठीक है, आप जैसे ही उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हो आप यूट्यूब के पेज के ऊपर पहुंच जाते हो। ठीक है ना, यानी कि आप जैसे ही उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हो तो आप यूट्यूब के पेज के ऊपर पहुंच जाते हो। इसी तरह लिंक क्या करता है, आपका पेज को, एक दूसरे पेज को, वेब पेज को जोड़ता है। ठीक है, देखिए क्या क्या काम है, इट इज यूज टू स्टोर दी देखिए क्या है, इट इज यूज टू स्टोर दी साइट डॉक्यूमेंट एंड क्रिएट ए वेब पेज। देखिए क्या होता है, इट इज यूज टू स्टोर दी साइट डॉक्यूमेंट, यानी कि जैसे आपका जो कैंपस प्रो है उसका जो लिंक है वो साइट के ऊपर स्टोर है आपका। ठीक है, पता है ना, एंड क्रिएट ए वेब पेज, जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हो क्या होता है, वो एक नया पेज खोलता है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हो आप इसके यूट्यूब के ऊपर चले जाते हो। ठीक है, यानी कि वेब पेज, वेबसाइट के थ्रू जो पेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेब पेज। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है हमारा, यू विल हैव टू क्रिएट
लिंक फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू अनदर। अब देखिए क्या बोल रहा है, यू विल हैव टू क्रिएट लिंक। आप जैसे कोई लिंक बनाते हो तो वो क्या करता है, फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू अनदर डॉक्यूमेंट, उसको हम एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट के ऊपर भेज सकते हैं। जिस तरह से आप कॉपी पेस्ट करते हो उसी तरह उस डॉक्यूमेंट यानी उस लिंक को आप कॉपी पेस्ट करके दूसरे डॉक्यूमेंट के ऊपर भेज सकते हो। ठीक है, नोट कीजिए। हो गया सभी का? देखिए अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ लिंक। लिंक के कितने टाइप हैं, कितने तरह के लिंक होते हैं, तो कुछ मेन मेन जो टाइप हैं वो हम देखते हैं क्या क्या है उनके बारे में। अब देखिए टाइप्स ऑफ लिंक। अब लिंक के क्या क्या टाइप हैं, मेन मेन जो टाइप हैं आपके उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला है आपका इंटरनल लिंक, इंटरनल लिंक। देखिए क्या होता है, अब देखिए इंटरनल लिंक का मतलब होता है सॉरी इंटरनल का मतलब क्या होता है, यानी कि अंदर। इंटरनल का मतलब होता है जो अंदर हो, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल। अब देखिए इंटरनल लिंक, विद दिस यू कैन लिंक डॉक्यूमेंट इन द सेम वेबसाइट। अब देखिए क्या बोल रहा है कि इस लिंक से हम क्या कर सकते हैं, एक ही वेबसाइट के अंदर दूसरे डॉक्यूमेंट को लिंक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब मैं आपके पास में एक लिंक भेजता हूं, आपको आपकी वीडियोस का जो लिंक भेजा जाता है उसके साथ में आपको एक पीडीएफ भी सेंड की जाती है। ठीक है, उसी लिंक के साथ में आपको एक पीडीएफ सेंड की जाती है, तो वो क्या हो गया, सेम वेबसाइट, यानी कि सेम लिंक के ऊपर एक और डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये होता है आपका लिंक डॉक्यूमेंट, इंटरनल लिंक। दूसरा देखिए आप क्या होता है, एक्सटर्नल लिंक। मैंने बताया था आपको एक्सटर्नल का मतलब बाहरी। ठीक है, यानी बाहर के जो लिंक होते हैं उनको देखिए,
अब इसका मतलब देखिए, लिंकिंग टू डॉक्यूमेंट आउटसाइड द लोकल वेबसाइट, यानी कि जो वेबसाइट हम आसपास में यूज करते हैं उसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट आप लिंक करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल लिंक। ठीक है, यानी कि हमारे सिस्टम से बाहर कोई और भी वेबसाइट है उनके ऊपर जो आसपास में काम करते हैं लोग, उनके ऊपर हम कोई डॉक्यूमेंट या कोई अदर लिंक शेयर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल लिंक, यानी कि बाहर के वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, नोट करो आप इसको। हो गया सभी का? देखिए अब हम पढ़ेंगे आपके थर्ड के बारे में, थर्ड टाइप का लिंक कौन सा होता है। ठीक है, ईमेल लिंक। अब देखिए ईमेल लिंक क्या होता है, आप सभी ने सुना होगा ईमेल लिंक के बारे में। यानी कि कोई किसी लिंक को, जैसे हम YouTube के थ्रू कोई लिंक भेजते हैं, जैसे आपके ऐप के ऊपर कोई लिंक भेजते हैं तो आप YouTube के ऊपर चले जाते हो, इसी तरह हम कोई लिंक भेजते हैं आपके मेल के ऊपर, Gmail के ऊपर, उसे हम क्या बोलते हैं, ईमेल लिंक। उसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता लगती है कि इस लिंक के अंदर क्या क्या है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ईमेल लिंक, जो मेल के थ्रू भेजा गया हो। ठीक है, तो देखिए ईमेल लिंक क्या होता है, लिंक दैट ओपन ओपन एन ईमेल From from which can be used to send emails. यानी कि ऐसा लिंक जो आपके मेल आईडी के ऊपर भेजा गया हो, जैसे कि मैंने कोई आपको एक लिंक भेजा, उसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट हैं, आपको डॉक्यूमेंट की बजाय मैंने उनका एक लिंक बनाकर आपकी मेल आईडी के ऊपर सेंड कर दिया। ठीक है, अब आप वो डॉक्यूमेंट किस तरह से देखोगे, मेल के ऊपर जाओगे, लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, जिस तरह से आप वीडियो देखने के लिए लिंक क्लिक करते हो, इसी तरह आप मेल के ऊपर जाकर लिंक को क्लिक करोगे और उसके अंदर पूरा डॉक्यूमेंट दिखाई देगा। ठीक है, इसलिए जो भी जो लिंक आपके मेल के ऊपर भेजा गया हो उसके उसको क्या बोलते हैं, ईमेल लिंक। ठीक है, नोट करो इसको। हो गया सभी का? देखिए फोर्थ है हमारा एंकर लिंक। फोर्थ क्या है हमारा, एंकर अब देखिए
एक ऐसा लिंक, एंकर लिंक का मतलब होता है जहां पर हमें एक जगह से दूसरी जगह पर लिंक को जंप कराना पड़े, जंप का मतलब कूदना नहीं, यानी कि दूसरी जगह पर भेजना पड़े, उसे हम क्या बोलते हैं, एंकर लिंक। ठीक है, देखिए द नेम एंकर लिंक द नेम एंकर इज द प्लेस वेयर यू वेयर यू वॉन्ट टू देखिए क्या कह रहा है, एक ऐसी जगह है जहां पर हम लिंक को जंप कराना यानी कहीं दूसरी जगह भेजना चाहते हैं, उस जगह को हम क्या कहते हैं, एंकर लिंक प्लेस। ठीक है, नेम एंकर लिंक। ठीक है, यानी कि दूसरी जगह का नाम देकर हम उसको वहां सेंड करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंकर लिंक। ठीक है, देखिए और देखिए इसमें, इट अलाउ द यूजर टू जंप ए यानी कि विजिटर, विजिटर का मतलब जैसे आप किसी लिंक के ऊपर क्लिक करते हो तो आप क्या हो, एक विजिटर, आप वहां तक जा रहे हो, कोई कहीं जाता है तो वो क्या होता है, एक विजिटर, हमारे यहां कोई आता है तो वो क्या है, एक विजिटर। तो जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर जाओगे, उसको दूसरी वेबसाइट पर भेजोगे, तो आप क्या हो, एक विजिटर। तो देखिए, इट अलाउ द विजिटर टू जंप ए पर्टिकुलर वेबसाइट, वेब पेज, पर्टिकुलर सेम वेब पेज, ठीक, उसी वेब पेज के ऊपर उसको भेजता है। ठीक है, नोट करो।